नमस्कार, आप देख रहे हैं 2020 का किंग कौन। आपके साथ मैं हूं नेहा पन। आपको जडेजा पर कब जूता फेंका गया और उसके बाद जडेजा सदमे में क्यों थे, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा असर जिसका चेन्नई से और आईपीएल पर पड़ेगा। कावेरी विवाद के चलते चेन्नई सुपर किंग्स के चेन्नई में होने वाले मैचों को दूसरे शहरों में कराया जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने इसके लिए 4 शहरों को भी चुन लिया है। ये शहर है विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम, पुणे और राजकोट। बीसीसीआई के मुताबिक ये 4 विकल्प उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को दिए हैं। आखिरी फैसला चेन्नई को लेना है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर खेल के मैदान से, जहां आखिरी फैसला चेन्नई सुपर किंग्स को ही लेना है इस पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज रात 8 बजे से दिल्ली और राजस्थान का मुकाबला है और एबीपी न्यूज पर दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर मौजूद है, उनसे लाइव हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कावेरी विवाद और आईपीएल की। कावेरी विवाद का असर आईपीएल पर भी पड़ रहा है। कल चेन्नई और कोलकाता के मैच में इसी विवाद की वजह से दोनों टीमें देरी से मैदान पर पहुंची और टॉस 13 मिनट की देरी से हुआ। लेकिन इसके अलावा मैदान में वो भी हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चेन्नई के सुपरस्टार रविंद्र जाडेजा पर कल चेन्नई के ही कुछ सिरफिरों ने जूता फेंक दिया। कब हुआ ये और उन सिरफिरों का इसके बाद क्या हुआ, देखिए पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। जाडेजा खुशकिस्मत रहे कि जूता उन्हें लगा नहीं बल्कि उनके पास गिरा। चेन्नई के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई और जूता फेंकने वालों को तुरंत स्टेडियम से बाहर किया। रिपोर्ट के मुताबिक जूता फेंकने वालों को हिरासत में ले लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चेन्नई में ऐसा क्यों हुआ। जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार खिलाड़ी, हैरानी है कि ये जूता चेन्नई के खिलाड़ी पर फेंका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तार कावेरी विवाद से जुड़े हो सकते हैं। दोनों टीमें कावेरी विवाद में चेन्नई की सड़कों पर हो रहे विरोध के चलते मैदान पर भी देर से पहुंची थी, जिसकी वजह से टॉस 13 मिनट की देरी से हुआ। कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्रिकेट, आईपीएल और चेन्नई के लिए ये बेहद निराशाजनक है। तो दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे थोड़ी देर में हम ये जानेंगे कि लगातार 2 जीत के बाद अब चेन्नई की टीम को रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा क्यों हो गया है। लेकिन उससे पहले कल मैदान पर चेन्नई ने क्या कमाल किया, हम वो आपको दिखाते हैं। और वैसे हम आपको बता दें, वाह क्रिकेट में हमने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि चेन्नई कल का मैच भी जीतेगी। किस अंदाज में जीत हासिल की, देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के 6 विकेट पर 202 रन के जवाब में चेन्नई ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 17 रन की दरकार थी। पूरे मैच में 31 छक्के लगे, कोलकाता की तरफ से 17 छक्के लगे तो चेन्नई की तरफ से 14, पूरे मैच में 20 चौके लगे। कोलकाता ने 11 चौके लगाए तो चेन्नई ने 9। कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसेल ने 36 गेंद पर नाबाद 88 रन बनाए 11 छक्के और 1 चौके की मदद से। रॉबिन उथप्पा ने 16 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्के के साथ 29 रन बनाए, जबकि चेन्नई की ओर से सैम बिलिंग्स ने 23 गेंद पर 2 चौके और 5 छक्के के साथ 56 रन बनाए, जबकि शेन वॉटसन ने 29 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के के साथ 42 रन बनाए। आखिर में जडेजा 7 गेंद और ब्रावो 5 गेंद पर 11-11 रन बनाकर नाबाद लौटे। और हमारे साथ अब मौजूद हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान गौतम गंभीर। गंभीर, आज आपका मुकाबला है तो उसके बारे में जरूर हम आपकी रणनीति को जानना चाहेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आप खुद केकेआर के कप्तान रहे हैं, आंद्रे रसेल भी आपकी कप्तानी में खेले हैं, रसेल की चेन्नई के खिलाफ पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? लुक, आई थिंक शेयर पार और आई थिंक सिर्फ पावर ही नहीं है, टैलेंट भी है। बिकॉज ऐसे अगर सिर्फ पावर ही होती तो कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डर्स या वेट लिफ्टर्स भी ऑब्वियसली रन बना सकते, बट कहीं ना कहीं आपको पावर के साथ हिटिंग एबिलिटी भी चाहिए, आपको टाइमिंग भी चाहिए, तो उनके पास वो सब कुछ है। और बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर है दुनिया में जो इस तरीके की बैटिंग करते हैं और 140 की स्पीड पर बॉल डालते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं फिंगर्स पर गिनूँ तो 3 या 4 ही वर्ल्ड क्रिकेट में आंद्रे रसेल, क्रिस मॉरिस, बेन स्टोक्स जो 140 की स्पीड से बॉल डाल सकते हैं और इस तरीके की हिटिंग कर सकते हैं। बट आंद्रे रसेल ऑब्वियसली डिफरेंट लीग के हैं बिकॉज उनके पास शायद ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे ऑलराउंडर्स के। बट अगेन आई थिंक क्वालिटी प्लेयर है इसलिए, और इसलिए शायद 2 बार वो आईपीएल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने।
देखिए आंद्रे रसेल की पारी भी चेन्नई की जीत को रोक नहीं सकी। पिछले दो मैच से चेन्नई को बड़ी क्लोज विन मिल रही है, तो ये चेन्नई की टीम ही इतनी अनुभवी है कि ऐसे रोमांचक मुकाबले जीत रही है, या धोनी का लक कहेंगे आप जो बार बार हार से बच रहे हैं? वो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं, अल्टीमेटली आप अच्छा खेलें तभी आप जीतें। अगर आप देखें कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि लास्ट ओवर में 17 रन विनय कुमार ने खा लिए, लेकिन 17 रन तक लेके जाने के लिए 19 ओवर में 185 रन भी तो बने थे। ऐसा तो नहीं था कि 19 ओवर में 150 रन थे, 160 रन थे और लास्ट ओवर में 36 रन खा गए। 19 ओवर में जो 185 रन बने हैं वो भी तो किसी और ने रन दिए ही हैं। तो कहीं ना कहीं सैम बिलिंग्स की अगर आप इनिंग देखें, आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि सैम बिलिंग की इनिंग वॉज बेटर देन आंद्रे रसेल। आई नो आई कैन बी बायस टूवर्ड्स केकेआर, बट सैम बिलिंग की जो इनिंग थी वो अंडर प्रेशर थी। जब आपको पता है कि आपको 15 रन पर ओवर चाहिए तो, और उस तरीके की इनिंग खेलना और मिडिल ऑर्डर में आके खेलना, कहीं ना कहीं जितना उनके ऊपर प्रेशर था उन्होंने ही वो गेम बनाया। आंद्रे रसेल पहले बैटिंग कर रहे थे और पहले बैटिंग करने में आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं होता, आप कोई टारगेट नहीं सेट करने को देखते। बट जब आप चेस कर रहे होते और आपको पता है कि आपको 200 रन चेस करने हैं, तो सैम बिलिंग की जो इनिंग थी आई पर्सनली फील वाज आई थिंक वाज एन अनबिलीवेबल इनिंग। आप देख रहे हैं 2020 का किंग कौन, दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के मैच की। गौतम मैक्सवेल वापस आ गए हैं, आज खेलेंगे वो? एब्सोल्युटली, आई थिंक गेम चेंजर, अनबिलीवेबल प्लेयर ऑन इट्स गिवन डे। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि इंपैक्ट प्लेयर्स के साथ आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 3 या 4 मैच आपको टूर्नामेंट में जिता के दे सकते हैं। तो अगर ऐसा आपके पास खिलाड़ी हो जो आप जो ब्रिलियंट फील्डर है आपको ऑफस्पिन डाल के दे सकते हैं और 150 या 60 की स्ट्राइक रेट है, तो वो कहीं ना कहीं आपका गेम चेंजर है। तो ऑटोमेटिकली वो आपके प्लेइंग लेवल में आते हैं और जिस तरीके का उनका T20 रिकॉर्ड है, तो आई एम श्योर आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल के आने से ऑब्वियसली आपका फील्डिंग बेटर हो जाएगी, फील्डिंग यूनिट बेटर हो जाएगी, आपकी फील्ड में ज़्यादा एनर्जी होगी एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी ब्रिलियंट अमंग द ग्रुप एज वेल। गंभीर, हम देख रहे हैं कि इस IPL में अब तक जो टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है वही जीत रही है, ये संयोग है या जीत का मंत्र? आई थिंक कल रात को भी मैं ये चीज़ सोच रहा था कि अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी है वही जीते है। पता नहीं क्या चक्कर है, बिकॉज या तो मे बी जब टारगेट आपके सामने हो तो आप बेटर अपनी इनिंग प्लान कर सकते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है, और आप उस तरीके से अपनी इनिंग को एक्चुअली पेस कर सकते हैं। कई बार आप जब पहले बैटिंग करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट अवे 180 या 190 रन बनाएं और कई बार 150 में ख़त्म हो जाते हैं आप। तो मे बी एंड डिपेंडिंग ऑन द बोलिंग कॉम्बिनेशन इज़ वेल, आई थिंक जिस टीम की बोलिंग अच्छी है और जिस टीम की बोलिंग कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा डिफेंडिंग द टोटल, बट अल्टीमेटली आपके बॉलर्स ही हैं जो डिफेंड करके देंगे। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन या कोई भी टीम आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑफ तब होती है कि जब उनके सामने टारगेट हो कि जिससे वो बेटर प्लान कर सकें, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। और मे बी ड्यू, बिकॉज पहले मैच में हमारा डे गेम था तो बिल्कुल ड्यू नहीं थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ड्यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट। चलिए आज के मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गौतम, और 2020 का किंग कौन आप देख रहे थे, गौतम गंभीर ने अपनी रणनीति हम तक पहुंचाई। IPL की हर हलचल जानने के लिए सुबह 8:30 बजे रोज ABP न्यूज पर 2020 का किंग कौन जरूर देखेगा। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।